आचार संहिता लागू हो चुकी है, 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव है राजस्थान, तो आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटों पे बहुमत लाए? भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड तोड़ 160 प्लस का हमारा टारगेट है, कम से कम हम 160 प्लस सीट लेके आएंगे। और जिस तरीके से राजस्थान को कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस के प्रत्येक एमएलए यहाँ का मिनिस्टर बन के रहा है, और गहलोत ने कह दिया कि मेरी एक टांग को मत गिराओ, चाहे कितने पैसे तुम कमाओ, कितना भी भ्रष्टाचार करो। जिस तरीके से उनका मंत्री बोलता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बहन बेटियों के बलात्कार के ऊपर उनका शांति धारीवाल एक वृद्ध आदमी है, उसके ये जवाब है एक हमारी बहन बेटियों के लिए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी परिवर्तन संकल्प जो यात्रा निकाली है, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता में घर घर गांव गांव जाकर ढाणी ढाणी जाकर हमने ये संकल्प लिया है कि हम अत्याचार को खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बलात्कार में आज पूरे हिंदुस्तान में प्रथम स्थान है राजस्थान का, उसको मिटा कर रहेंगे और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी। तो तीन नए जिलों की घोषणा भी की है, तो आपको क्या लग रहा है जैसे तीन नए जिलों की भी की है, मोबाइल फोन भी वितरण कर रहे हैं, चिरंजीवी भी है, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब इतनी कम सीटें आ पाएंगी कांग्रेस की? आज ये जिस तरीके की रेवड़ियां बांट रहे हैं, 4.5 साल से जनता कोरोना में ये कहां गए थे, कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में राशन, मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रत्येक घर को राशन दिया और प्रत्येक पेशेंट के लिए ऐसी डोज इतने जल्दी तैयार करवाई कि विदेशों में भी हमारी डोज को विदेशों में भी हमने सप्लाई की, विदेशों के भी लोगों की हमने जान बचाई। तो कांग्रेस सरकार का अच्छे से पहचानते हैं ये चुनाव के लिए जो झूठे जो योजनाएं डेली नए जिले बना रहे हैं, इनको पता आता संहिता लगने वाली है, अरे आपको जिला बनाना था तो पहले बनाते आप। तो इस तरीके के झूठे जुमलों में इस बार जनता नहीं आने वाली। इनने झूठ पहले भी इनके राहुल गांधी ने बोला था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार आएगी और हम कर्जा माफ कर देंगे। पूरे 5 साल निकल गए, आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है कि 19,000 किसानों की जमीनें कुरू कर दी और ये झूठ के आश्वासन पर मात्र हमारे 1.5 लाख वोटों से इनकी सरकार बनी है। तो बीजेपी में क्या आप लोग अगर जीतते भी हो तो क्या मोदी के चेहरे से जीतेंगे या आप लोग जीतेंगे? हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारे सभी कार्यकर्ता फेस है सीएम का, हमारे सभी कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है राजस्थान का। हमारी पार्टी का ध्येय है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में से किसी भी कार्यकर्ता को सीएम का चेहरा बनाएंगे, पार्टी सीएम चुनेगी, चेहरा किसी को नहीं बनाएंगे। हम कमल के फूल निशान पर सभी जिलों से, हमारे पूरे राजस्थान से हम कमल का निशान हमारा प्रत्याशी होगा, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या देखा जाए तो क्या वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है इस हिसाब से? नहीं, वसुंधरा जी को कोई साइडलाइन नहीं किया जा रहा। वसुंधरा जी हमारी आदरणीय नेता हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही है और आज भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में झालावाड़ से विधायक हैं, और हमारी वसुंधरा जी को कहीं दरकिनार नहीं किया जा रहा। कौन लग रहा है कि आपको सीएम चेहरा किसको बना सकता है? इस बार पार्टी ने सीएम चेहरा, एक बार हमारी पार्टी 160 प्लस का हमारा टारगेट है, इस बार हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने आज यूपी के अंदर एक सीधे अच्छे से कार्यकर्ता को चुना, तो उसने इतिहास दोहराया, आदरणीय आदित्यनाथ योगी ने इतिहास दोहराया कि यूपी में डबल बार, जैसे राजस्थान का जो सिस्टम खत्म चल रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे आदित्यनाथ योगी जैसे कार्यकर्ताओं को अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने इतिहास दोहरा कर रिपीट कर दी सरकार। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चेहरा आएगा इस बार राजस्थान में जो सीएम का जो चेहरा आएगा वो कार्यकर्ता का चेहरा होगा, एक ऐसे कार्यकर्ता को लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसे कार्यकर्ता को जो कम से कम हमारे राजस्थान में 15 साल कंटिन्यू बीजेपी की सरकार आए। आप कहना चाह रहे हैं सीएम फेस नहीं है, जैसे नाम आ रहे हैं बालक नाथ हुए, राजवर्धन सिंह हुए, दिया कुमारी हुई, हो सकता है उनमें से कोई बने? हाँ, उन भारतीय जनता पार्टी में अभी किसी का भी नाम तय नहीं है, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी अच्छे कार्यकर्ता को चुनकर इनमें से ही जो हमारे जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनमें से ही पार्टी किसी को चुनकर सीएम का चेहरा घोषित करेगी।